कहते हैं लोग कि कॉलेज जो है वो एंजॉय करने की जगह है, वो लोग कहते हैं जो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं और उनका हमेशा फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर रहता है, फेल होते रहते हैं, और जो पढ़ते हैं वो कभी नहीं कहते कि तुम कॉलेज में एंजॉय करो, क्योंकि उनको पता है कि जीवन के 5 साल यहीं से स्टार्ट होते हैं। ग्रेजुएशन दोनों में कॉमन है, चाहे वो 12th के बाद में 3 ईयर्स ले लें या चाहे इसके बाद में ले लें। तो कल उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर कितनी संभावना है। ये रिपीटेशन है उनके मुकुल कानितकर जी के शब्दों का। पूरी जगत में मनुष्य ही ऐसा है जिसकी रीढ़ सीधी रहती है। कोई जानवर है जो सीधी रीढ़ से चलता हो, ऐसे चलता हो, हमेशा उसकी रीढ़ ऐसी रहेगी, कभी कभी वो ऐसी हो जाएगी, रेयर केस है बंदर वगैरह जैसे। वैसे नॉर्मली जितने भी जानवर हैं वो सब उनकी रीढ़ बैकबोन जो है वो लेटी हुई होगी और वो सब प्रोग्राम्ड है, उसके बिल्कुल लक्षण है कि ये काम करोगे तो ऐसा होगा। जैसे कुत्ता है, आप एक पत्थर मारोगे तो क्या रिएक्शन देगा? भौंकेगा, काट भी सकता है और क्या कर सकता है, भाग जाएगा। इसके अलावा और कोई रिएक्शन दे सकता है क्या? और एक पत्थर आदमी को मार दो तो क्या क्या रिएक्शन दे सकता है? पत्थर भी मार सकता है, माफ भी कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है, आपको समझा भी सकता है, तमाम चीजें कर सकता है, और 5 साल बाद चाहे तो बदला भी ले सकता है, ले सकता है। मतलब आपके पास मनुष्य होने का एक बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास में अनंत ऑप्शंस हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो अभी तक किसी ने किया नहीं, वो आप कर सकते हैं, है कि नहीं? आपको भी वैसे ही बनना चाहिए। आपको जो ऑप्शंस हैं वो तो ठीक है, कोई नया ऑप्शन भी सोचते रहना चाहिए। ये रिसर्च हो सकती है, ये आपकी पढ़ाई में भी हो सकता है, ये आपके जीवन में भी हो सकता है ना? तो बहुत जगह ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि मुझे किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आदर्श बनाना आवश्यक है, लेकिन उसके जैसे आप 100% कभी जीवन में बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप अलग ही हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मिलते हैं क्या? तो जब भगवान ने आपको भेजा है और इतने समय से लोग पृथ्वी में पैदा हो रहे हैं और आगे भी पैदा होंगे, और अभी कम से कम कितने 200 लोग हैं, 200 अरब हैं, 2 अरब लोग हैं, 2 अरब से ज्यादा ही ना, 6 कितने अरब है, 6-7 अरब लोग हैं, और 6-7 अरब लोगों में किसी के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते। तो आप अपने आप में यूनिक हैं, तो उस यूनिकनेस को बनाए रखते हुए आप अनंत संभावनाओं में अपने काम को बखूबी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जो विद्यार्थी हैं इसमें बहुत अच्छे विद्यार्थी बनके निकलें, खूब पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा बिहेवियर रखें, गुड लुकिंग हो। गुड लुकिंग का मतलब हीरो बनना नहीं है, गुड लुकिंग का मतलब है कि बेकार बनने से अपने आप को बचाना है। जैसे पुलिस वाले किसको पकड़ते हैं पहले, और वो आंख कैसे तलाशते हैं, कैसे तलाशते हैं, नॉर्मली कैसे पकड़ लेते हैं, व्यवहार तो बाद में आता है, पहले किससे पकड़ते हैं, वेशभूषा से, पर्सनालिटी से, कैसे दिख रहा है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी वेशभूषा अपने आप अच्छी बन जाती है, लेकिन यदि हमने वेशभूषा गलत रखी है तो हम जरूर गलत लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं। बात समझ रहे हो? यदि मैं और अच्छा कैसा कहलाता है आदमी, मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हो, अजीब टाइप के हो, लेकिन यदि क्वालिटी उससे अच्छी है
तो बाल नगण्य हो जाते हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी का बाल देखा था तुमने, लेकिन कोई दूसरा आदमी ऐसा रख के चले तो कैसा लगेगा, पागल कहेंगे उसको, है ना। और एक आदमी आता है जिसमें आर्मी कट जैसे बाल रखे हुए हैं और अच्छी पर्सनैलिटी, तो आप उसको क्या समझोगे, बड़ा अटेंटिव होगा, अच्छे घर से होगा, सब आदमी ऐसे विचार बनाता है ना, भले ना हो। बाद में ये सेकेंडरी है इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट, लेकिन जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है हमेशा ऐसे ही लोगों को पकड़ा जाता है जो देखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं। पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, वैसे ही समाज की भी नजर होती है, क्योंकि पुलिस भी किससे जाती है, हमारे बीच से जाती है। तो जब हमारे बीच में कोई विद्यार्थी आता है तो हमको भी लगता है, नहीं यार ये जो बच्चा बैठा हुआ जैकेट पहने हुए तिलक लगाए ये बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, भले अंदर से गलत होगा। और एक विद्यार्थी आता है जो ऊट पटांग बाल रखे हुए है, यहां से छोटी सी दाढ़ी रख लिया है, तो हमको क्या लगता है कि बड़ा बदमाश होगा, भले वो सबसे ज्यादा विनम्र होगा।